कितना चाहा था मैंने उसे, कितनी शिद्दत से उसकी आरज़ू की थी। क्या था अगर उसका साथ मिल जाता। दूरियां 5 दिसंबर से 30 से जुमा शब 9 बजे। मुरीद, तुम भी नाश्ता कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आप क्यों जा रहे हैं? इससे कह दो आसिया मेरे सामने ना आया करे। मैंने खुद पे बहुत काबू किया होगा आसिया, उसको समझाओ वरना मेरे हाथ से कुछ बुरा हो जाएगा। मैं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, मैं वक्त से पहले आ गए। वेरी स्ट्रेंज, तुम तो इंतज़ार करवाते हो, इंतज़ार करना तो हमारा मुकद्दर है। पर ये तब्दीली कैसी? नहीं मलिक, फर्क बड़ा सादा है। आज तक तुम लोग मेरे सामने सवाल ही बनकर आते रहे हो, कभी बिजनेस की डील बढ़ाने, कभी शेयर्स बढ़ाने की सूरत में, तो कभी पार्टनर्स बनने की सूरत में। आज पहली बार मैं सवाली बनकर आया हूं। सीरियसली कुरैशी, हमारे पास ऐसा है क्या जो हम तुमको दे सकें? 30% है हमारा बिजनेस तुम्हारे बिजनेस के आगे। मालिक मुश्किल है, बड़ी हिम्मत और खुद को जोड़कर तुम्हारे सामने बात कर रहा हूं। जवाब देने से पहले सोचना जरूर, मुझे बिखरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोलो कुरैशी, तमहीद मत बांधो। मालिक मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी अस्मा को अपनी बहू बना लो। बच्चे कहाँ सुनते हैं आजकल के यार, पागल हो गई है नौजवान नस्ल। तुम अपनी मिसाल ले लो, अभी चल सोच ले थोड़ी देर के लिए, मैं समझा भी लेता हूँ, लेकिन ये बेटे को कैसे समझाऊं कि तेरी बेटी। हमारे कारोबारी मामला जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तुम घबराना नहीं। अस्मा बेटा, 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 चलिए गई। अस्मा बेटा, अस्मा बेटा, बेबी नहीं कहाँ जा सकती? बेगम साहिबा को बताना चाहिए मुझे। हाँ बताओ बुआ, क्या हुआ? बेगम साहिबा, अस्मा बीबी अपने कमरे में नहीं है। क्या कह रही हो बुआ, उसने कहाँ जाना है? चलो देखो किसी दूसरे कमरे में होगी। अरे बेगम साहिबा बात तो सुने, मैं आपको सही बता रही हूँ, वो पूरे घर में नहीं है। अच्छा बुआ जल्दी से अमल को बुलाओ। अरे वो भी नहीं है, हुआ क्यों परेशान कर रही हो? अभी तो मैंने उसे गार्डन में देखा था, जाओ जाके बुला कर लाओ। मैं आपकी तसल्ली के लिए जानी हूँ, वैसे मैंने पूरा देख लिया है, वो है नहीं। फोन तो बन जा रहा है। अरे मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। वाह, वो खुदकुशी करने की बात कर रही थी, अल्लाह करे मेरी बेटी को। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, समझ में नहीं आ रहा हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है, कहाँ चली गई है। क्या बात चाहती है ये मुझसे? बेगम साहिबा आप परेशान ना हो, हो सकता है किसी सहेली के यहाँ चली गई हो। हाँ, एमल बेटा जल्दी पता करो। मुरीद क्या हुआ बेगम साहिबा, सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है, अस्मा पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं चली गई है बेगम साहिबा? तुम पता करो ना कहाँ गई है, कहीं उसने खुद को कुछ कर तो नहीं लिया। मैं देखता हूँ। अभी एक ठोकर खाकर संभले नहीं थे कि फिर एक और ठोकर खा ली। आप लोग उससे एक दफा पूछ क्यों नहीं लेते कि वो चाहती क्या है? आपा, हम लोग भी तो उसकी कोई बात नहीं सुन रहे ना। कुछ बचा है आसिफ जो उसकी सुनी जाए? हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि वो उस रात गई किसके साथ थी। तुम ही बताओ किसका गरेबान पकड़े? ये क्या बताएगी, हमारा तो अपना हाथ अपने गरेबान पर है। समझ नहीं आ रही कि किससे गिला करें और किससे मदद मांगे। तो फिर काट दो उस हाथ को अमीन मियां, जो हाथ तुम्हारे गरेबान तक आ रहा है। हैरत, तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र हो रही है? एक मिनट मैं डाल देती हूँ। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, दुआ करो वो कभी वापस ना आए। तुम तो बड़ी साइड लेते थे आप ही की, तू ही बता दो दोबारा घर से गायब होने का क्या मतलब है? अच्छा तुम बता दो कि क्या मतलब निकाला है तुम लोगों ने? बताने की जरूरत है क्या? ऑब्वियसली उसी का सेकंड स्टेप है जो वो कर चुकी हैं। और अगर ऐसा ना हुआ तो सोचा है कभी? तुम सब घर वालों ने मिलकर खुद से ये फैसला कर लिया, अगर इस बार अस्मा को कुछ हो गया तो तुम लोग खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और बजाय इस वक्त हम एक दूसरे के खिलाफ आर्ग्यूमेंट बन करें, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। कोई भी नहीं जाएगा उनके पीछे, अब बाबा ने मना कर दिया। वैसे जो भी बोल मुरीद, ये पता है उसको कि वो गुनाहगार नहीं है, हाथ पैर तो मारेगी। हालात बहुत तेजी से बदलते जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। बेगम साहिबा की इस हरकत ने डरा दिया है मुझे। यही तो बात है, हमारा अगला प्लान जरा सा भी लेट हुआ ना हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और इस वक्त जो अस्मा की ज़हनी कैफियत है वो खुदकुशी कर लेगी। नहीं नहीं मुस्तफ़ा, वो मर नहीं सकती। उसकी मौत मुरीद की मौत होगी और मुरीद अभी नहीं मरेगा। ये पता है उसको कि वो गुनाहगार नहीं है। हाथ पैर तो मारेगी। हमारा अगला प्लान जरा सा भी लेट हुआ ना हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। और इस वक्त जो अस्मा की ज़हनी कैफियत है वो खुदकुशी कर लेगी। बोले मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है। किसकी एफआईआर? अगवा की। अगवा? कौन होगी अगवा? मुझे अपने अगवा होने की एफआईआर दर्ज करवानी है। अपने अगवा होने की एफआईआर? कोई आजकल की लड़कियों का भी बड़ा मसला है, पहले खुद अपने महबूब के साथ भाग जाती हैं, जब वो छोड़ देता है तो फिर उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने आ जाती हैं। आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कि नहीं? आपका काम है लोगों के मसले हल करना या बैठ के तफसरे करना नहीं है। बीबी जी एफआईआर ऐसे ही नहीं दर्ज हो जाती, हमें भी ऊपर तक जवाब देने होते हैं। खैर क्या जुल्म हो गया आपके साथ? लिखवाएं, नाम बोलें अपना। अस्मा अमीन। वालिद का नाम? अमीन कुरैशी। आप अमीन कुरैशी साहब की बेटी हैं? तनवीर जहाँ पानी लेकर आया ठंडा। बीबी जी आप बताएं, आप बोतल पियेंगी या चाय मंगवाऊं आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, एफआईआर दर्ज कर दें बस। बीबी जी आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस पर इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। एक तो आप मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं, वैसे मुझे यहाँ बिठा के रखा हुआ है आपने। देखिए बीबी, आप अमीन साहब की बेटी हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। अब वक्त इतना ज्यादा हो गया है, बाहर बारिश हो रही है, आप यहाँ आई गई हैं तो आपको घर तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है ना। आपकी जिम्मेदारी है मेरे बयान के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज करना बस। जी की है और मजीद कर रहे हैं। लीजिए मुरीद साहब भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। चलिए बेगम साहब। बेगम साहिबा चलिए। मेरी खबर के मुताबिक मीडिया वाले पहुंचने लगे जिसमें आपकी और साहब की बहुत रशवाई होगी। आपको खुदा का वास्ता, चलिए बेगम साहबा। बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, कोशिश कीजिएगा कि बात बाहर ना निकले, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। शुक्रिया। आँख से है खेलना दुश्मनों के शहर को राख करके देखना, जो जुबान पे रख दिया वो नमक है इश्क का या नमक है जहर का। जितना इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतना ही उस बात को बढ़ावा दे रही है। आप लोग इससे एक बार पूछ क्यों नहीं लेते, क्यों इसने हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया? क्यों गई थी पुलिस स्टेशन? आप लोग तो मेरा एतबार कर नहीं रहे, इंसाफ लेने के लिए मुझे कहीं तो जाना था। तो फिर मिला इंसाफ, क्यों हमारी जिंदगियों की दुश्मन बन गई हो? बोलो। मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ बाबा, आपकी बेएतबारी मेरी दुश्मन बनी हुई है। अपना दामन पाक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो फिर एक काम करो, तुम अपने माँ बाप को जहर दे दो और हमें भी, ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि हम तो सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैं मजलूम हूं और मुझे आवाज उठाने का पूरा हक है। आप लोगों को मेरी हालत पे रहम नहीं आता, लेकिन अब मैं रहम की भी किसी से नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। माफी चाहता हूं साहब, आपको बताए बगैर पुलिस स्टेशन चला गया। इंस्पेक्टर का फोन आया तो मुझे आपकी रुसवाई का डर हुआ, क्या करता? मुझसे गलती हुई है, मुरीद आपसे माफी चाहता है। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा। अब और अच्छा होने जा रहा है, तुम्हारा निकाह अस्मा से होगा। इस मामले का अंजाम यही है मुरीद करीमदीन, तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारे बाप का नाम इसलिए लगाया ताकि तुम्हारी यादाश्त कमज़ोर ना पड़ जाए कि तुम मेरे बहुत वफादार नमक हलाल नौकर मुंशी करीमदीन के बेटे हो। मालिक का हुक्म मानना एक नमक हलाल नौकर के लिए उसका अवलीन फ़र्ज़ होता है साहब। मुरीद मुनकिर नहीं है, हरगिज़ नहीं। मुनकिर बनकर अपने बाप की कब्र पर उंगली नहीं उठवाना चाहता मैं। आपका शुक्रिया, चलता हूं। कैसे हैं मुंशी साहब? माफी चाहता हूँ, आज पैर की जूती और सर के ताज की जगह बदल दी है मुरीद ने। और कहाँ वो सूल है ये? किस किताब में लिखा है कि इन दोनों की जगह नहीं बदली जा सकती? माफी चाहता हूँ अम्मा, ऐसे मत देखें मेरी तरह। याद है मुझे, जब मैं छोटा सा था तो जान-ए-मास पे क्या दुआएं मांगती थी मुरीद के लिए कि या मेरे अल्लाह, मेरे मुरीद को अच्छा इंसान बनाना, नरम दिल हो। मुरीद के हाथ में कभी किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो तुम्हारा ये शौहर तुम्हारी ख्वाहिश पे मेरे बाप की गुलामी भारी पड़ गई अम्मा। दुआओं में तुमने कुछ और मांगा था, देखो देखो तुम्हारे शौहर की गुलामी ने मुरीद को क्या से क्या बना दिया है। बहुत याद आती है मुझे अम्मा। जो तकलीफ तुझे मिली है ना, हर रात मुरीद बिस्तर पे उस तकलीफ को महसूस करता है, हर रात उस तकलीफ से गुजरता हूं मैं। और लेकिन मुंशी जी, आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, आपका वो जो है ना अमीन कुरैशी, अमीन कुरैशी कमर हवा में उसकी उठा के जमीन जला दूंगा। तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल ठीक है अमीन मियाँ, मैं मुत्तफिक हूँ। खुदा करे तुम्हारा ये बोझ किसी तरह से कम हो जाए। आपका जो भी फैसला है मुझे मंजूर है। सच्ची आप आके मेरा बोझ आप ही हल्का कर सकती हैं। जानता हूं इन हालात की वजह से आप बहुत बदगुमान हैं, लेकिन एमल और अरसल के बारे में आपकी सोच ने मेरी कमर तोड़ दी है। मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने फैसले पर आप प्लीज नजरसानी करें। मेरा बदगुमान होना जायज़ है अमीन मियाँ, अपने ही अपनों के काम आते हैं। तुम मेरे भाई हो और भाइयों की झुकती कमर देके बहनें जल्द बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेरी औलाद है, मेरा खदशों और वहमों में गिरना जायज़ है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस ये चाहूंगी कि तुम रुखसती जल्दी कर दो। अम्मी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। मुझे एक जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं, तुम बैठो यहाँ, मुझे भी तुम्हें कोई जरूरी बात बतानी। तुम पहले बताओ कि क्या कहने आई हो। नहीं, आप बताएं क्या बात करनी थी आपको। बेटा, तुम जानती हो कि हम आजकल कितनी अजियत में हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। लेकिन इस सब में तुम्हारे बाबा ने एक बहुत अहम फैसला किया। कैसा फैसला? अस्मा की शादी का फैसला। जाहिर है बेटा, इन सारे हालात में सब जानते हुए अब कौन है जो अस्मा से शादी करेगा। हमारी पप्पो भी कह रही थी कि अस्मा की शादी मुरीद से कर दी जाए। अम्मी, ये किस किस्म की अरेंजमेंट है? आप जानती तो है ना कि आप ही मुरीद को सख्त नापसंद करती हैं। लेकिन बेटा, अब उसकी पसंद या नापसंद की कोई अहमियत भी तो नहीं रह गई। और मुरीद वो मान जाएगा आसानी से। उससे पूछा भी है किसी ने? तुम्हारे पापा ने बात की थी। फिर मुरीद राजी है और आपा कह रही थी अरसल और तुम्हारी शादी भी फौरन कर दी जाए। पहले अस्मा की रुखसती हो जाए तो फिर तुम्हारी बारी। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, क्योंकि आप फैसला सुना सकते, लेकिन उसे मानना या ना मानना मेरे इख्तियार में। तुम्हारे किस्म के फैसले के इख्तियार से महरूम हो चुकी हो। वाह बाबा, एक और फैसला। कहना क्या चाह रही हो तुम? शुक्र है आपने मुझसे ये तो पूछा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जानती हो तुम्हारा लहजा तुम में छुपी बगावत का एतराफ़ है, और मेरा फैसला इस बात की तस्दीक है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये आपका मानना है कि आपने जो सोचा वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो बिल्कुल ठीक है ना। मेरा फैसला पूरे घर की इज्जत को बचा लेगा, वो इज्जत जिसे तुम रात के अंधेरे में दबे पांव कहीं जाके। मुझे बहुत शर्म आ रही है बाबा कि मुझे अपने बाप के सामने अपने किरदार की सफाई देनी पड़ रही है। जब इस घर की दहलीज से बाहर कदम रखा था तब बाप की इज्जत और शर्म व हया का ख्याल ना आया तुम्हें? मैं फैसला कर चुकी हूँ। तुम कोई फैसला नहीं कर सकती। क्यों? मैं बेटी हूं इसलिए फैसले नहीं कर सकती? क्या मैं बहुतान की जद में उसलिए फैसले नहीं कर सकती? क्या मैं दूसरों की नजरों में मुजरिम उसलिए फैसला नहीं कर सकती? यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि तुम्हें। लेकिन मैंने फिर भी फैसला कर लिया बाबा, मैं मुरीद से शादी नहीं करूंगी। अम्मी, अम्मी, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? ये एमल का पासपोर्ट है, मेरा पासपोर्ट कहाँ है? तुम्हारे बाबा के पास। और तुम उनका फैसला सुन चुकी हो। अस्मा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुरीद से शादी कर लो। मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ, मैं मुरीद से शादी नहीं करूंगी। मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए, प्लीज आते चले जाए आप। मुरीद, मुरीद, क्या जो मैंने सुना वो ठीक है? जवाब दो मुरीद। हाँ, वो सच है। सच? अगर वो सच है, फिर वो मोहब्बत जो तुम मुझसे करते तो वो झूठ थी? बोलो मुरीद। मोहब्बत? मैंने तो कभी आपसे किसी मोहब्बत का दावा नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम मुरीद, बकवास कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन कर लूंगी? धोखा दिया है तुमने मुझे। कैसा धोखा बेगम साहिबा? मैंने आज तक आपके सामने ऐसा कोई दावा नहीं किया। हाँ, ये बात सच है कि आपकी मोहब्बत की कदर करता हूँ, और इससे ज्यादा मेरे बस में भी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं। झूठे हो तुम मुरीद। मैंने आज तक जो भी तुम्हारी आंखों में पढ़ा, जो भी देखा, गलत कैसे हो सकता है? तुम तो हमेशा कहते थे कि मैं एक नौकर हूँ, मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। और फिर आज तुम आप ही से शादी पर कैसे मान गए? बेगम साहिबा, मुझे जो हुक्म मिला मैंने मान लिया। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों कर रहे हो मुरीद? नहीं करो ऐसा मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी। खुद को मजबूत करें बेगम साहिबा। साहब, ये घर, खानदान, इसकी इज्जत के लिए आपको अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगी।